मैं एडवोकेट तैमूर हुसैन कीरियो, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इंसाफ यूथ विंग सिंध, अपने आदिल अकबर चांडियो साहब एसवीपी हैदराबाद डिवीजन, अजहर खोकर साहब प्रेस एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद डिवीजन, दीपक कुमार डीजीएस हैदराबाद डिवीजन और अपने तरीके इंसाफ के कारकुनों के साथ यहाँ मौजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आज जो पीडीएम सरकार ने इलीगली मेलाफाइट ली और जो डरपोकाना हरकत की है जमान पार्क के ऊपर, एक और अटेम्प्ट किया है कि खान साहब को गिरफ्तार किया जाए, हम इसकी शदीद अल्फाज मजम्मत करते हैं। अहले पाकिस्तान को मैं आज बताना चाहता हूं कि इस पीडीएम गवर्नमेंट को आए हुए इक्तदार में गालिबन 13 से 14 महीने हो चुके हैं। इन 13 से 14 महीने में डॉलर आसमान पर जा पहुंचा, पेट्रोल नायाब हो गया, दालें म्यूजियम में चली गई, आटा गरीबों को मुयसर नहीं है। इन्हें अच्छे तरीके से मालूम है कि अगर ये इलेक्शन में गए तो सिवाय रुसवाई के इन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। जितने भी बाय इलेक्शन हुए, तरीके इंसाफ उन तमाम तर बाय इलेक्शन में जीती है। हमारा पावर शो देखकर, हमारी तरीके इंसाफ की अवामी मकबूलियत देखकर ये तमाम तर पीडीएम सरकार बौखलाहट का शिकार है। हमारे चेयरमैन के ऊपर इन्होंने टोटल 74 केसेस दर्ज करवाए और ये केसेस दर्ज करवाने का मकसद इनका सिर्फ एक है कि कुछ भी करके चेयरमैन इमरान खान को इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेने से रोका जाए, हमारी आवाज को दबा जाए, जो कि इसकी हम शदीद अल्फाज मजम्मत करते हैं। मैं अहले पाकिस्तान को यह भी बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है। इलेक्शन कमीशन का सिर्फ और सिर्फ काम यह होता है कि वो आए और एक न्यूट्रल शेल्टर के अंदर इलेक्शन कंडक्ट करवाए। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पीडीएम का कोई इतिहाद हुकूमत में आ गया है। दफा 144 नाफिज कर देते हैं उस दिन जिस दिन पीटीआई की रैली है, उससे एक दिन पहले मरियम नवाज साहब जो कि पीएमएलएन की चीफ ऑर्गेनाइजर है वो शेखुपुरा में जाके जलसे करती है, रैली करती है, सारी पंजाब पुलिस उनको सपोर्ट करती है, सारी की सारी पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें लोग निकालने में हेल्प करती है। मगर दूसरे दिन जैसे ही हमारी रैली की कॉल होती है, ये दफा 144 नाफिज कर हमें हमारी आवाज को कुचलने की कोशिश करते हैं। हमारे ऊपर बदतरीन लाठीचार्ज की गई उस दिन और हमारा एक कारकुन जिले शाह जो कि एक स्पेशल कारकुन था वो बेचारे शहीद हो गए। यहां पर भी इनका पेट ना भरा। फिर दूसरे दिन हमारी रैली का स्केड्यूल आया, इन्होंने उसके बाद दोबारा से जमान पार के बाहर पुलिस खड़ी कर दी। अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपनी वो रैली की डेट कॉल ऑफ कर दी। कल जो हमारी रैली हुई जिसको पूरे पाकिस्तान ने कवरेज दी, देखा कि आवाम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। हमारी आवामी ताकत देखकर, आवामी मकबूलियत चेयरमैन इमरान खान की देखकर ये इतने खौफजदा हो गए हैं कि इन्हें समझ में आ चुका है कि इनको इन इलेक्शंस में सिवाय मायूसी की और कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो आज दो केसेस मैं जरा अहले पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूं कि दो केसेस, पहला केस तोशाखाना का जिसका रिकॉर्ड लाहौर हाईकोर्ट ने मंगाकर पब्लिक कर चुकी है और वह पूरी आवाम के सामने कि जितनी भी पार्टीज, जितने भी प्रीमियर्स 2002 से लेकर पावर में आए हैं वो सब के सब तोशाखाना के गिफ्ट्स रिसीव कर चुके हैं मीगर क्वांटिटी के अमाउंट पे करने के बाद। तो आखिरकार ये दोगला रवैया हमारे साथ ही क्यों, ये मैं सवाल आप देखने वालों की तरफ छोड़ता हूं। अच्छा, एक नॉन वेलेबल वारंट उस केस में इशू हुआ, दूसरा नॉन वेलेबल वारंट इशू हुआ है कि जी वो खान साहब ने एक अदलिया की जो है वो कोई तौहीन कर दी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया। तो मैं अहले पाकिस्तान को बताना चाहता हूं कि ये पीडीएम गवर्नमेंट की जो अहम जमात पीएमएलएन है, जब ये हुक्मरान थी 1997 में इन्होंने जस्टिस सजाद अली शाह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक करवाए, वो बेचारे अपनी जान बचाकर जिसे कहते हैं कि वहां से गायब हुए। नवाज शरीफ जो कि तमाम तरह अपनी इलेक्शन कंपेन्स में 2018 में सरेआम सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया करता था, और अभी रिसेंटली हमने कुछ दिनों में देखा है कि जितनी भी पीडीएम लेड पार्टीज हैं इन सारी की सारी पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट को, लाहौर हाईकोर्ट को, इस्लामाबाद हाईकोर्ट को, तमाम तरह कोर्ट्स को तनकीद का निशाना बनाया। यहां पर तो कोई रेफरेंस दाखिल नहीं हुआ, यहां पर तो कोई एफआईआर दाखिल नहीं हुई, फिर यह दोहरा रवैया, यह दोहरा मयार हमारे साथ क्यों? वजह सिर्फ एक है कि यह पीडीएम सरकार एक अवामी लीडर को, एक डेमोक्रेटिक लीडर को रोकना चाहती है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से। मैं आप तमाम तर दोस्तों के जरिए आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये हो तो हो क्या है। अगर पीडीएम गवर्नमेंट आज इन इलेक्शंस को डिले करने में कामयाब हो गई तो याद रखिएगा ये एक नई रवायत कायम होगी जिसके ऊपर इलेक्शंस डिले कर
टेक्नोक्रेट सेटअप को अवाम के ऊपर मुसलत किया जाएगा और इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके रिजल्ट्स 58 से भी ज्यादा खतरनाक है। पढ़ लीजिए आप अच्छे तरीके से कि क्या नतीजे निकले थे 58 के, कितनी असेंबलियां डिसॉल्व हुई, कितनी गवर्नमेंट्स के तख्ते जिसे कहते हैं कि आगे पीछे हो गए सिर्फ और सिर्फ 58 की वजह से। आज जब वो आईनी दरवाजा बंद हुआ तो आप फिर आप एक नई रवायत कायम कर रहे हैं और ये नई रवायत हमारी नस्लें भुगतेंगी। आप गैर जमहूरी गैर आईनी इख्तदाम के जरिए इख्तदार के ऊपर काबिज नहीं हो सकते। कॉन्सेप्ट सारी दुनिया में एक न्यूट्रल गवर्नमेंट का, एक केयरटेकर गवर्नमेंट का सिर्फ यह होता है कि वो एक ऐसा इलेक्शन कराए जो सब कबूल करे अंडर द न्यूट्रल शेल्टर। जब ये केयरटेकर सेटअप पीडीएम का पार्ट बना बैठा हुआ है तो इनके रिजल्ट्स को कोई कैसे कबूल करेगा? आप इनके जितने भी मिनिस्टर्स हैं इनके बयान देख लीजिए, ऐसा लग रहा है कि कोई पीडीएम की कोई शाखा जो का पावर में आ चुकी है। हमारी गुजारिश है कि इस फौरी तौर के ऊपर इस इलीगल इकदाम को रोका जाए। अगर आपने खान साहब को गिरफ्तार किया, इलेक्शंस को इरेगुलरली अननेचुरली डिले करने की कोशिश की, तो आप एक ऐसा खतरनाक प्रेसिडेंट इस मुल्क की तारीख में कायम करेंगे जिसका रिजल्ट, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारी आने वाली 10-15-20 नस्लें इसको भुगतती रहेंगी। तो खुदा रहा ये इलीगल इकदाम ना करें। और ये जो आपने खान साहब को स्पेसिफिकली पंजाब गवर्नमेंट टारगेट कर रही है, हम गुजारिश करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, लाहौर हाईकोर्ट से, इस्लामाबाद हाईकोर्ट से कि बराए मेहरबानी इस केयर टेकर सेटअप को, इस पीडीएम गवर्नमेंट को इस मुल्क के हालात खराब करने से रोका जाए, बचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।